हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी चिल्ड्रन रेसिपीज। आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट स्पंजी इडली बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, मेक श्योर टू फॉलो ऑल दीज टिप्स। सबसे पहले हम 3 कप राइस लेंगे, उसमें आधा कप पोहा मिला करके उसको रात भर छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर पारबॉयल्ड राइस यूज किया है। अगर आपके पास पारबॉयल्ड राइस अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मोटा चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए बासमती चावल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। अब उसी तरह मैंने दूसरे बोल में उड़द की दाल ली है, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स को मिलाया है और इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है और धो करके मैंने इसको रात भर सोक कर दिया था दोनों चीजों को। अब दाल को और चावल को अच्छे से पीस लीजिए, उसमें पानी डालें थोड़ा थोड़ा और उसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। ये बिल्कुल भी जो पेस्ट है आपका दरदरा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना फाइन पेस्ट बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें। मैंने दाल को और चावल को अच्छे से बिल्कुल फाइनली पीस लिया है और मैं इसको बीच में पानी मिला मिला के पीसती रही हूँ, जिससे कि ये बहुत इजीली पिस जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये बहुत ही थिक है और ना ही बहुत पतला है। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फर्मेंट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं कि बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसको मिक्स कर लीजिए। सर्दियों में जनरली फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। आप सर्दियों में इसको 3 से 4 घंटे धूप में छोड़ सकते हैं या फिर माइक्रोवेव के अंदर भी डाल सकते हैं रात भर, तो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और गर्मियों में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आप रात को छोड़ दीजिए तो सुबह तक अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। आइए इडली बनाना शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले आप एक बोल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा बैटर डाल लीजिए। मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि मैं पूरे बैटर में पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को ना डिस्टर्ब करूं, जबकि मैं हमेशा एक बोल में थोड़ा सा बैटर लेती हूं, उसमें पानी डाल के फिर उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करती हूं। पूरे बैटर में पानी डालने से क्या होता है, कई बार अगर आपका बैटर पतला हो गया तो आप उसको फिर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरी यही आपको राय है कि आप पहले थोड़ा सा बैटर एक बोल में लें और फिर उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करें। अब इससे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक बार फिर से। अब यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिए। आप बैटर को देखेंगे, जब मैं लैडल से पोर कर रही हूँ तो वो एक शेप को होल्ड कर पा रहा है 10 सेकंड के लिए। यही पहचान है हमारे एक परफेक्ट बैटर की। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए कि जब मैं उसको लैडल से पोर कर रही हूँ बैटर को, तो वो एक शेप को होल्ड कर पा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आइए अब इडली को मोल्ड्स में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर मैंने मोल्ड्स में घी लगाया है, अगर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जनरली लोग क्या करते हैं कि बैटर को फर्मेंट होने के बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं 2-3 दिन और फिर इडलीज बनाते हैं। ऐसा नहीं करना। आप कोशिश कीजिए कि उस बैटर को विद इन 24 आवर्स यूज कर लें। जो पुराना बैटर, जितना पुराना बैटर होता है वो जनरली डोसा बनाने के लिए सही रहता है, लेकिन अच्छी इडलीज बनाने के लिए आप कोशिश करें कि उस बैटर को विद इन 24 आवर्स यूज़ कर लें और पुराने बैटर को आप डोसे के लिए यूज़ करें। तो आपने यहाँ पे जो चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सिलेक्शन ऑफ राइस, आपके बैटर की कंसिस्टेंसी और इडलीज के लिए बैटर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। आइए अब इडलीज को स्टीम करते हैं। मेरे पास जो इडली मोल्ड्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के हैं, इसलिए मुझे इनको हाई फ्लेम पे स्टीम करने में 7 से 8 मिनट्स लग गए हैं। आपके मोल्ड्स अगर छोटे हैं तो 5 से 6 मिनट्स में आपकी इडलीज रेडी हो जाएंगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा देर तक इडलीज को स्टीम करते रहेंगे तो उससे भी इडलीज जो है हार्ड हो सकती हैं। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपकी इडलीज बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफी बनेंगी। अब हमारी इडलीज बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, आइए हम इनको डीमोल्ड करते हैं। अब आइए हम इडलीज को डीमोल्ड करते हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। जी हाँ, आप कहेंगे ये इतनी सारी चीजें हैं जिनका मैं ध्यान रखने को बोल रही हूँ। ये भी एक और छोटी सी टिप है कि अगर आप गरम गरम इडलीज को डीमोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो एक तो वो नीचे चिपक जाएंगी और दूसरा वो टूट भी सकती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इडलीज कितनी सॉफ्ट है और कितनी फ्लफी है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से कितनी फ्लफी है और एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल माथे जैसी इडलीज बनी है। आई एम श्योर आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी।
ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, जब मैं इसको नीचे गिरा रही तो कैसे एकदम डांस कर रहे हैं। इसका मतलब ये इतनी लाइट है वेट में और इतनी अंदर उसके एयर है, जैसे कि वो बिल्कुल, देखिए आप जैसे जैसे मैं डीमोल्ड करके फेंक रही हूँ कैसे एकदम से हिल रही है। इसका मतलब इसके अंदर इतनी एयर है और इतनी स्पंजी है और ये इतनी सॉफ्ट है। अब मैंने सारी इडली इसको डीमोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं जब मैं इसको शेक कर रही हूँ तो ये ऐसे डांस कर रही है। इसका मतलब हमारी इडली जो है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट है और बहुत ही फ्लफी है। ये देखिए मैं एक और इडली आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। देखिए बिल्कुल कॉटन जैसी, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से ली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।